जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के मास्टर डिग्री क्लास, जो कि एमए पॉलिटिकल साइंस एमपीएस का फर्स्ट ईयर का क्लास है। इस क्लास में हम लोग एमपीएस 001 पॉलिटिकल थ्योरी का एक सीरीज चला रहे हैं, इसमें कि हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम करेंगे यूनिट 11, जो कि है पावर एंड अथॉरिटी। तो अगर आप लोगों में से कोई हमारा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक कवर नहीं किया है तो आप लोग कृपया करके प्लेलिस्ट में जाके बाकी सभी क्लास एंजॉय कर सकते हैं। और आप सभी लोग इग्नू के जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए खुशखबरी है कि इग्नू के ई बुक्स लॉन्च हो रहा है इंडिया ई बुक के द्वारा 11th of July को। जैसे कि MPS 001, 002, 003, 004 ये सब ई बुक्स है, आप लोग मोबाइल पे भी रीड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन सभी बुक आप लोग डायरेक्ट जाके व्हाट्सअप का जो नंबर है उस पर उसका कैटलॉग सेक्शन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस सभी बुक्स 11 जुलाई को रिलीज़ होगा। एक्चुअली इंडिया ई बुक का मेन मोटो था ई बुक सर्विस और फ्री ई बुक प्रोवाइड करना, और ऐसे ही इग्नू का छोड़ के मतलब बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उन लोगों का भी किताब ई बुक्स बनाता है इंडिया ई बुक। आप लोग इंडिया ई बुक के जो व्हाट्सअप के कैटालॉग है वहाँ से किसी भी मतलब करंट अफेयर्स का हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, जो मैथ्स का या रीजनिंग या इंग्लिश, इन सभी का ई बुक्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का कक्षा का शुभारम्भ करते हैं। तो क्या क्या विषय है आज का जो कक्षा है उसमें, यह सीरीज में हम लोग आगे है 11 यूनिट, जो कि है पावर एंड अथॉरिटी के बारे में है। ये है MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का 11th यूनिट। तो इस यूनिट में हम लोग चर्चा करेंगे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद इम्पीरियल स्टडी ऑफ पावर, उसके बाद चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, उसके बाद चर्चा करेंगे पावर मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न अप्रोच, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी का, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। तो इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें। और यहाँ पे पहले जो स्लाइड में दिया हुआ है आप लोग देखिए, अथॉरिटी पावर ऑब्लिगेशन लेजिटिमेसी। तो एक बात आप लोग सभी लल्ले लल्लियों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग मतलब यूनिट मतलब इस पावर ऑफ अथॉरिटी का चैप्टर करेंगे तभी इसके साथ यूनिट नंबर 12 कीजिएगा। यूनिट नंबर 12 है लेजिटिमेसी एंड ऑब्लिगेशन, दोनों मतलब एक रिलेट करते हैं एक दूसरे के चैप्टर, और दोनों ही इतना बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा छोटा चैप्टर है, दोनों एक साथ कंप्लीट कीजिएगा। जब भी आप रिवाइज भी करें तभी ये एडवाइजेबल है कि यूनिट 11 और यूनिट 12 अटेस्टेड चैप्टर रीड कीजिए। तो ठीक है, तो आज का कक्षा का शुभारम्भ करते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन पावर एंड अथॉरिटी का। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज द की to understand and analyze politics, political institutions and political movements of the systemic process both in national and international। सत्ता के अवधारणा राजनीति, राजनीतिक संस्थान और प्रणालीगत प्रक्रिया के राजनीतिक आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में समझने और विश्लेषण करने की कुंजी है। इट इज़ द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये राजनीतिक सिद्धांत का क्या केंद्र है। वाइल स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड इट्स वेरियस मैनिफेस्टेशंस इन द सिस्टमिक प्रोसेसेस वन इज रिमाइंडेड ऑफ व्हाट। प्रणालीगत प्रक्रिया में शक्ति के अवधारणा और इसके अवधारणा मतलब मैनिफेस्टेशन, शक्ति के अवधारणा और इसके विभिन्न अभिव्यक्तियों का अध्ययन करते समय किसी को क्या याद दिलाना जाता है। बिफोर वी डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्चुअल डायमेंशंस ऑफ पावर, इट इज डिजायरेबल दैट स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑट टू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। मतलब पहले जो डायमेंशन है पावर का उनके बारे में चर्चा करने से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को। ऑल पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, सारी राजनीति सत्ता के लिए ही होता है। द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑफन
पोर्ट्रेट एज लिटिल मोर देन द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड द एकेडमिक सब्जेक्ट इज इन एसेंस द स्टडी ऑफ पावर। राजनीति के अभ्यास को अक्सर शक्ति के प्रयोग से थोड़ा अधिक के रूप में चित्रित किया जाता है और एकेडमिक विषय या संकल्प में शक्ति का अध्ययन है। Moreover, the notion that power is a form of domination of control that forces one person to obey another. एक क्या है, पावर एक फोर्स है डोमिनेशन का, जो कि डोमिनेट करता है किसी एक पर्सन को बाकी सभी पर्सन के ऊपर। जैसे पकड़ लीजिए, आप लोग को में से कोई एक लीडर है, मतलब आप एक जॉब कर रहे हैं, उसमें से एक आपका बॉस है और बॉस जो है उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो उनका जो करना है वो जो जैसे कहते हैं आप लोग ऐसे मानना पड़ता है। तो यही चीज़ बोलना चाह रहा है, मतलब उनका जो वो फोर्सफुली मतलब उनका डोमिनेंस रहता है ऑफिस में, बॉस जो होते हैं तो डोमिनेंस रहता है, उनका पास पावर और अथॉरिटी रहता है। टू मोर ओवर द नोशन दैट पावर इज ए फॉर्म ऑफ डोमिनेशन और कंट्रोल दैट फोर्सेस वन पर्सन टू ओबे अनदर रन्स इनटू द प्रॉब्लम दैट इन पॉलिटिकल लाइफ पावर इज वेरी कॉमनली एक्सरसाइज थ्रू द एक्सेप्टेंस एंड द विलिंग ऑफ द पब्लिक। अभी इस मतलब ये 11 और 12 जो यूनिट है, 11 यूनिट हम अभी कर रहे हैं और 12 यूनिट का जो लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन है, इन चारों जो टर्म है, पावर, अथॉरिटी, पावर, लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन, इन चारों टर्म के बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है चारों टर्म। पहले पावर, पावर कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू गेट समवन टू डू समथिंग दैट माइट नॉट चूज टू डू। पावर क्या है, एक एबिलिटी है कुछ मतलब करने का, कोई भी कुछ चीज़ कर सके उसको पावर कहते हैं। जैसे पकड़ लीजिए आपको, मतलब आपको पास, आपको हमने कहा है मतलब किसी विधि के द्वारा भी ऐसे ही मतलब आपके पास कुछ कुछ पावर है इस चीज़ करने का, कुछ चीज़ करने का उसके ही उसे मतलब कुछ करने का जो शक्ति है आधार, बाकी जो चीज़ है सभी में से चूज करके कुछ एक चीज़ करना है वो ही पावर है। अथॉरिटी इज सीन राइटफुल पावर व्हिच इम्प्लाइज ऑन ऑब्लिगेशन टू ओबे। अथॉरिटी क्या है, एक राइटफुल पावर है, पावर है अथॉरिटी भी एक राइट फुल पावर है, मतलब अच्छा पावर है और लीगली एनफोर्सेबल है, व्हिच इम्प्लाइज ऑन ऑब्लिगेशन टू ओबे। मतलब अथॉरिटी एक तरफ मतलब ऑब्लिगेशन जैसा ही है, मतलब आपको ऊपर बाइंडिंग डाल देता है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा ऐसा चीज़ है। तो ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन इज बाइंडिंग समवन टू डू समथिंग, मतलब आपका ऊपर मतलब आपको करना ही पड़ेगा, वही ऑब्लिगेशन होता है। और लेजिटिमेसी क्या है, लेजिटिमेसी इज द सेंस ऑफ राइटफुलनेस व्हिच मेक्स अथॉरिटी डिफरेंट फ्रॉम द पावर। तो इन तीनों चीज़ों का मैं आप लोगों को समझा के देता हूँ। ये देखिए रिलेशन, ये पकड़ लीजिए एक सर्कल है, ये सर्कल जो है ये है पावर का सर्कल, और अभी और एक दूसरा सर्कल है, ये है पकड़ लीजिए लेजिटिमेसी का सर्कल, और ये दोनों ने जहाँ पे काटा, ए वाला जो वेन डायग्राम हम लोगों ने मैथ्स में किया था, तो ए वाला जो पोर्शन है ए है अथॉरिटी, ठीक है, मतलब जो लीगल पावर है उसे ही हम अथॉरिटी कहते हैं। और लीगल पावर जो कहाँ से आता है, अथॉरिटी कहाँ से आता है, अथॉरिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है टू ओबे द राइटफुल पावर व्हिच इम्प्लाइज एन ऑब्लिगेशन। जो राइटफुल पावर है आपको मिलता है राइटफुल पावर, लेजिटिमेसी वाला पावर जो आपको मिलता है वो मतलब आपको ऑब्लाइज भी करता है, मतलब आपको ऑब्लिगेशन भी डाल देता है आपके ऊपर कि ऐसे चीज़ करना है, इस चीज़ को करने का अथॉरिटी है, वही ऑब्लिगेशन भी डाल देता है आपके ऊपर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, आप देखिए बड़ा वाला जो ब्लू वाला सर्कल है वो है पावर का सर्कल, उसके बाद वो एक है लेजिटिमेसी का सर्कल, और बीच में जहाँ पे दोनों का कॉमन एरिया है वो है अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी एक पावर है जो लीगल है या लेजिटिमेसी से मिलता है आप लोगों को, इसको वही अथॉरिटी कहते हैं। ये पास वाला जो डायग्राम है यहाँ का, अथॉरिटी वाला लेफ्ट में जो डायग्राम है ये वाला देखिए, अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम
लेजिटिमेसी, मतलब अथॉरिटी कहाँ से आया, लेजिटिमेसी से ही आता है। अथॉरिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, पावर के ऊपर, एंड अथॉरिटी रेस्ट ऑन ऑब्लिगेशन। देखा मैंने वही वही बात बताया आपको, एक ही डायग्राम में सब कुछ है। ये वाला डायग्राम एग्जाम में अगर अथॉरिटी और पावर या लेजिटिमेसी या ऑब्लिगेशन के बारे में कुछ भी पूछे, कृपया करके ये वाला डायग्राम दीजिएगा। आप सभी लल्लेवल लल्ली हो, इससे क्या होगा कि आपका जो वैल्यूएशन मार्क होगा वो बढ़ जाएगा। ये वाला डेफिनेशन आप याद कीजिए, हो सके तो प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी याद रहेगा आपको। अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम लेजिटिमेसी, अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन पावर, अथॉरिटी रेस्ट ऑन ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स किसके टुवर्ड्स होता है, पावर के टुवर्ड्स, और लेजिटिमेसी एक्सेप्ट करता है पावर को, और रिकॉग्नाइजेशन मिलता है किन दोनों को, ऑब्लिगेशन और लेजिटिमेसी को। ते वाला डायग्राम हो सके तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में भी डालिएगा, अच्छा स्कोर होगा अरे प्यारे लल्लो लल्लियो। अब करेंगे इंपीरियल स्टडी ऑफ पावर। तो स्टडी क्या चीज़ होता है, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो स्टडी है क्या? एक्चुअली वो भी स्टडी है एक प्रकार की, लेकिन वो इन डेप्थ ऐसा एनालिसिस नहीं है। यहाँ पे स्टडी जो है, ये स्टडी मीन मतलब डेप्थ वाला जो एनालिसिस, कुछ रिसर्च जैसा चीज़, वही स्टडी है। और इंपीरियल स्टडी तो और भी अलग सा चीज़ है। इंपीरियल स्टडी जो होता है वो मतलब जैसा हम लोग जैसा थ्योरी के ऊपर या प्योर लॉजिक के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, वो इंपीरियल स्टडी बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं क्या है इंपीरियल स्टडी ऑफ पावर। इट इज़ नेवर बीन एन ईजी टास्क टू स्टडी एंड एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इंपीरिकली। यह बहुत मतलब इजी चीज़ नहीं है, बहुत टफ चीज़ है। एज मैवरिस काउलिंग इन हिज पायोनियरिंग वर्क द नेचर एंड द लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेज दैट देयर आर रियल डिफिकल्टीज अबाउट एक्सेस टू द सेंटर्स ऑफ द पावर इन मॉडर्न सोसाइटी इवन इन डेमोक्रेसी। तो मैवरिन काउलिंग ने कहा है, उनका जो बुक है नेचर एंड पॉलिटिकल साइंस, उसमें कि यह बहुत डिफिकल्ट चीज़ है पावर का सेंटर में जाना, दो कि डेमोक्रेसी में भी हम लोग नहीं जा सकते हैं, लोकतंत्र में भी हम लोग नहीं जा सकते हैं पावर के सेंटर पे। इन एनी डिस्कशन ऑफ पावर वन हैज़ टू कीप इन माइंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टडीज ऑन पावर बाय इमिनेंट रिसर्चर्स आर सिंपली रिफ्लेक्शंस ऑफ सिंप्लीफाइड वर्शंस ऑफ पॉलिटिक्स आउटसाइड देयर टाइम। दिस आर नॉट द प्रेजेंटेशंस ऑफ द रियल पॉलिटिक्स ऑफ देयर कंटेम्पोररी सोसाइटी एंड टाइम। An objective bias in the selection of small subjects having limited ramifications could well lead to methodological conclusions that may not be true in the case of the great society. सत्य की किसी भी चर्चा में किसी को या ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शोधकर्ता द्वारा सत्ता पर किए गए अधिकांश जो अध्ययन अपने समय के बाहर राजनीति के संस्कारों के प्रतिबिंब है, ये उनके समकालीन समझ और समय के वास्तविक राजनीति के प्रस्तुतियां नहीं है, मतलब ये कॉन्टेम्पोरारी नहीं है। तो कॉन्टेम्पोरारी चीज़ क्या होता है, कॉन्टेम्पोरारी या समकालीन, तो समकालीन मतलब सेम टाइम के, जैसे पकड़ लीजिए गौतम बुद्ध देव और महावीर जो इन दोनों समकालीन थे, मतलब दोनों एक टाइम के थे। तो मैंने आप लोगों के लिए भी एक समकालीन का एग्जांपल मैं देता हूँ, तो जैसे कि पकड़ लीजिए COVID-19 कोरोना का समकालीन कौन है, गांधी जी कोरोना का समकालीन है क्या? गांधी जी किसका समकालीन है? गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बसु जवाहरलाल नेहरू उनके समकालीन कंटेम्पोररी है। कोरोना के समकालीन है क्या गांधी जी? नहीं है। कोरोना के समकालीन कौन है? हम लोग, आप मेरे प्यारे लल्ले और लल्ली हो और मैं भी कोरोना के समकालीन हूँ, ठीक है। तो अगला जो है विषय वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर इज नॉर्मली अंडरस्टूड एज द पोजेशन ऑफ कंट्रोल। पोजेशन मतलब आपके पास जो चीज़ होता है वो है पोजेशन। Possession of control, authority or influence over others, a relationship in which an individual or a group is able to exert influence over the minds and actions of others.
तो क्या चीज है? शक्ति मतलब पावर को आमतौर पे नियंत्रण, अधिकार या दूसरे पर प्रभाव के रूप में समझा जाता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे का दिमाग और कार्य पर प्रभाव डालने में सक्षम है, उसे ही क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स हु एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफन स्टार्ट विथ टू प्रपोजिशंस। शक्ति के अवधारणा के विश्लेषण करने वाले जो लोग हैं, जो शोध करता है, उन लोगों ने अक्सर मतलब दो प्रस्ताव दिए हैं, जैसे कि दैट इज एनी पॉलिटी सम पीपुल हैव मोर पावर्स देन अदर्स, कुछ लोगों को पास ज़्यादा पावर रहता है। दैट द पावर इज ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर ए यूटिलिटी, और पावर इज अंडरस्टैंडेबली एसोसिएटेड विथ ऑनर डेफरेंस रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। वन हैज ऑफ कोर्स टू डिस्टिंग्विश द पावर ऑफ मैन फ्रॉम द पावर ऑफ ऑफिस दैट गारंटीज अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। मतलब जो व्यक्ति है उसको मतलब डिफरेंस करना पड़ेगा जो इंडिविजुअल का पावर है और एक ऑफिस के मतलब कार्यालय से जो पावर मिलता है, ऑफिस के वजह से जो पावर मिलता है, कार्यालय के शक्ति कहते हैं, उस दोनों को अलग करके सोचना पड़ेगा। वन हैज ऑल्सो टू बी केयरफुल अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द अपारेंट एंड रियल पावर। अपारेंट क्या चीज है? अपारेंट मतलब प्रत्यक्ष जो शक्ति है, और रियल पावर जो है वो है वास्तविक शक्ति। अपारेंट और वास्तविक में फर्क जो है वो मतलब उस दोनों फॉर्म में से सावधान रहना पड़ेगा। व्हाइल एनालाइजिंग वेरियस डायमेंशंस ऑफ पावर, मैस्लो प्रेफर्स टू टॉक अबाउट द फिजियोपैथोलॉजी ऑफ एम्बिशन एज वेल एज मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ सम मैन। जो मैस्लो जो थे उन्होंने फिजियोपैथोलॉजी और साथ ही साथ मेंटल फ्रेमवर्क जो है उनके ऊपर भी मतलब बात किए थे, प्रेफर किए थे उनके टॉक में, फिजियोपैथोलॉजी एम्बिशन एज वेल एज मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ सम मैन। अगला जो विषय है वो है डायमेंशंस ऑफ पावर। ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर और डायमेंशंस ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक बार एग्जाम में पूछ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन। वन ऑफ द लुकिस एकेडमिक थियोरीज इज दैट देयर आर थ्री फेजेस ऑफ पावर। पावर में क्या होता है? तीन फेज होता है पावर का। प्रेजेंटेड इन हिज बुक, इन्होंने अपना बुक में लिखा था पावर ए रेडिकल व्यू। इन्होंने जो बुक लिखा है उस बुक का नाम है पावर ए रेडिकल व्यू। दिस थियोरी क्लेम्स दैट द पावर इज एक्सरसाइज इन थ्री वेज। उनका जो थियोरी है इस बुक का, इसके अकॉर्डिंग ल्यूक्स का जो थियोरी है इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप्स के पावर एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर एंड आइडियोलॉजिकल पावर। यही तीन पावर है, तीन डायमेंशन है। इन तीनों डायमेंशन के ऊपर देख लेते हैं एक नज़र। डिसीजन मेकिंग पावर जो वो पावर है वो सबसे बड़ा पावर है और पब्लिकली सबसे अवेलेबल भी है, जैसे कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है वही है डिसीजन मेकिंग पावर। कुछ चीज़ का डिसीजन लेता है गवर्नमेंट, हमारा इंडिया में होता है ऐसे ही डिसीजन मेकिंग पावर होता है। उसके बाद जो पावर है वो है नॉन डिसीजन मेकिंग पावर। नॉन डिसीजन मेकिंग पावर में जो चीज़ का मतलब डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ चीज़ में डिबेट में फंसे हुए हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और जिसमें मतलब डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे उसको भी नॉन डिसीजन मेकिंग पावर कहते हैं। और है तीसरा है आइडियोलॉजिकल पावर। जो आइडियोलॉजिकल पावर है वो अलग एक टाइप का कॉन्सेप्ट है, डायमेंशन है। वो पुराना जो दो कॉन्सेप्ट है, डायमेंशन है, उन दोनों को काटता है वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन तीनों डायमेंशन और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इसके बारे में आप लिखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पावर मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न अप्रोच। इसमें हमने 12 पॉइंट्स में पूरा मतलब कवर किया है दो स्लाइड में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो है क्या, मार्क्सिस्ट और वेस्टर्न अप्रोच, मतलब हम लोग पावर को देखेंगे मार्क्सिस्ट मार्क्सिज्म और वेस्टर्न जो अप्रोच है पश्चिमी सभ्यता उसके ऊपर मतलब भित्ति करके। तो पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पहला पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द एनालिसिस ऑफ नेचर
of power in both socialistic and capitalistic societies is essential for understanding the nature of politics as well as the same. जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट, मौलिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप इसको. द एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ पावर, बहुत जो एनालिसिस होगा पावर का उस वो डिपेंड करेगा जो सोशलिस्टिक समाजवादी और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है उसके ऊपर बेस करके. लेलिन, अभी मार्क्सिस्ट जो अप्रूव लेलिन से शुरू हुआ है, यहाँ से देखिए. लेलिन सेड द क्वेश्चन ऑफ पावर कैनॉट बी इवेडेड और ब्रूस्ट असाइड बिकॉज इट इज द की क्वेश्चन डिटरमाइनिंग एवरीथिंग इन रिवोल्यूशंस डेवलपमेंट एंड इट एंड इन इट्स फॉरिन एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. लेलिन ने क्या कहा है, सत्ता का प्रश्न को टालना या खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये क्रांति का विकास में और उसकी विदेश और घरेलू राजनीति में सब कुछ निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसलिए ये खारिज नहीं हो सकता है, लेलिन ने कहा था. उसके बाद व्हाइल स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर व्हाट ऑफन कम्स टू माइंड इज इट्स यूज इन ए ब्रॉड सेंस बाय मार्क्सिस्ट थिंकर्स. शक्ति की अवधारणा के अध्ययन करते समय जो बात अक्सर दिमाग में आता है वो ही मार्क्सवादी विचारधारा का व्यापक अर्थ में इसका उपयोग है. बोथ मार्क्स एंड लेलिन हाईलाइटेड द सोशियल रिलेशंस इन ए पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट. दोनों ने पॉलिटिकल जो सोशल रिलेशन जो है, मतलब दोनों मैन और एनवायरनमेंट दोनों के बारे में चर्चा किया. मैन मतलब ह्यूमन और एनवायरनमेंट मतलब आपका पर्यावरण, इन दोनों के ऊपर भित्ति किया. विद द कंट्रोल ऑफ मैन ओवर नेचर बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एक्वायर्ड ए न्यू डेफिनेशन एंड डायमेंशन. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण प्रकृति पर मनुष्य के नियंत्रण के साथ शक्ति के अवधारणा ने एक नया परिभाषा और आयाम प्राप्त कर लिया है. एज सिनोनिम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डोमिनेशन इन स्टेट स्ट्रक्चर्स पावर एज्यूम्ड मल्टी डायमेंशनल फॉर्म्स. राज्य संचालन में राजनीतिक और सामाजिक पश्चर्व के पर्याप्त रूप में सत्ता ने क्या किया, एक नया मल्टी डायमेंशनल फॉर्म विकास कर लिया है. इन मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड टर्मिनोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज आइडेंटिफाइड विद द कंट्रोल ऑफ द स्टेट पावर थ्रू रिवॉल्यूशन. तो मार्क्सिस्ट का जो अप्रोच है उसमें रिवॉल्यूशन करके ये वाला कॉन्सेप्ट, एक्चुअली मार्क्सिस्ट का थ्योरी में एक तरफ रिवॉल्यूशन जैसा ही चीज़ है. According to the Marxist thinkers, the sphere of politics includes all aspects of the state. तो मार्क्सिस्ट जो थिंकर है, मार्क्सवादी जो है लोग, उनके थिंकिंग में जो aspects है सोसाइटी का, स्टेट का, बहुत सारा. The sphere of politics includes all aspects, सभी aspects को include करता है. It implies all types of relationships among the classes, सभी type का relationship include करता है, जैसे कि आइडियोलॉजिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, सेमी साइकोलॉजिकल हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है. लेलिन ने कहा था कि लेलिन सेड इट इज़ द स्पेयर ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल क्लासेस एंड स्ट्रेटा. स्ट्रेटा मतलब कुछ ग्रुप्स, जैसे स्ट्रेटम कुछ ग्रुप्स कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं उसको. एंड स्ट्रेटा टू द स्टेट एंड द गवर्नमेंट द स्पेयर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द क्लासेस. हमारा अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, इसमें हम लोग देखेंगे अभी वेस्टर्न अप्रोच. मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है वो हम लोग देख चुके हैं पावर का, अभी देखेंगे वेस्टर्न अप्रोच. द वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट हाईलाइट्स पावर एज एन एसेंशियल फैक्टर इन ऑल सोशल काइनेटिक्स. द फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट टॉक्स ऑफ द आउरा ऑफ मिस्ट्री सराउंडिंग्स पावर. तो वेस्टर्न का जो सोशियोलॉजिस्ट लोग है, समाजवादी जो लोग है, चिंताधारा करने वाले, उन्होंने अभी हाईलाइट किया है पावर को एक एसेंशियल फैक्टर ऑफ ऑल सोशल काइनेटिक्स. द फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने भी
मतलब बात किया था जो सराउंडिंग पावर के सराउंडिंग जो रहस्यमय तत्व है उनके बारे में। सम ऑफ द वेस्टर्न थिंकर्स हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कुछ लोग ऐसे है वेस्टर्न थिंकर और बायोलॉजिकल पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वो लोग सोचते थे कि पावर एक नेचुरल चीज़ है, मतलब जो नेचर के अकॉर्डिंग ही मिलता है आप लोगों को और वही पावर है। गोइंग बैक टू द मतलब ग्रीक डेज एरिस्टोटल व्यूड, एरिस्टोटल ने देखे थे कि जो जब मतलब पुराना ग्रीक डेज था ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइम, तभी एरिस्टोटल एरिस्टोटल जिनको आप लोग पॉलिटिकल साइंस के फादर भी कहते हैं हम लोग, एरिस्टोटल व्यूड पावर एज ए नेचुरल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी, नेचर डिटरमाइनिंग द करेक्टर एंड प्रोसेस ऑफ सोसाइटी। वही नेचर ही है सब कुछ, बायोलॉजिकल इसलिए कहते थे नेचर ही डिपेंड कर, नेचर के ऊपर ही डिपेंड होता है द करेक्टर पोलिट सोसाइटी का, और सोसाइटी का प्रोसेस क्या होगा और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसको बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कहा जाता है। सम ऑफ द लीडिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिज्म। कुछ जो फेमस वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट थे वो लोग इसको मतलब नहीं मानते थे इस बायोलॉजिज्म को। जॉर्ज बुरडेव फॉर एग्जाम्पल एम्फासिस दैट पावर एंड सोसाइटी वर बॉन्ड टूगेदर। जो जॉर्ज बुरडेव के अकॉर्डिंग पावर एंड सोसाइटी दोनों का जन्म एक ही साथ हुआ है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों नेचुरली कनेक्टेड नहीं है, दोनों का जन्म एक ही साथ ही हुआ है। सम रिसर्चर्स लाइक हर्बर्ट सिमन हैव प्रेजेंटेड ए वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ पावर। हर्बर्ट सिमन जो है उन्होंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है पावर का, उनका उन्होंने कहा है कि सिमन यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस एज सिनोनिम्स। उन्होंने पावर और इन्फ्लुएंस को एक मतलब एक सिनोनिम जैसे यूज किया है। जैसे पकड़िए मैंने एक डायग्राम आप लोगों के, इस चैप्टर पूरा डायग्राम बैन डायग्राम भेज दे, इसका बैन डायग्राम अच्छा है वो इसके लिए चैप्टर ईजी है। पकड़ लीजिए ए वाला जो सर्कल है ये पावर का सर्कल है, उसके बाहर जो ए वाला सर्कल है बड़ा वाला, ये वाला सर्कल है इन्फ्लुएंस का सर्कल, दोनों देखिए अलग है ना, सेम है नहीं है। तो सिमन ने क्या कहा, सिमन ने कहा सेम है पावर पावर और इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बड़ा वाला सर्कल है, इन्फ्लुएंस के अंदर ही पावर होता है और पावर के अंदर जो लीगली एनफोर्सेबल है उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी यहाँ पे पावर वाला सर्कल यहाँ पे, और ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं, इन्फ्लुएंस। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को, इसका डायग्राम भी है हम लोग करेंगे। तो उसके बाद चक्का बाद जो आपका 11th पॉइंट, द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर एज द कैपेसिटी टू वर्क वंस विल इज रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ एंजल्स व्हेन ही सेड। एंजल ने क्या कहा है, एंजल ने कहा अथॉरिटी इज द सेम इज द सेंस इन व्हिच द वर्ड इज यूज हियर, मीन्स द इम्पोजिशन ऑफ द विल ऑफ द अनदर अपन आवर्स। ऑन द अदर हैंड अथॉरिटी प्रीसपोजेस सबऑर्डिनेशन। तो इन दोनों सभी मार्क्सिस्ट और वेस्टर्न के चर्चा के बाद लास्ट वाला जो लाइन है कंक्लूशन का लाइन है, दस बोथ द वेस्टर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड मार्क्सिस्ट थिंकिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैव कंट्रीब्यूटेड ए ग्रेट डील टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो ये वाला दो जो हम लोगों ने दो स्लाइड अभी कवर किया है पावर के, मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न अप्रोच, ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग पहले इन 12 पॉइंट लिखने से पहले आप लोग ये वाला किताब में से मत लिखिएगा, यहाँ से रेफर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 12 पॉइंट बनाए आप लोगों के लिए, इस 12 पॉइंट सफिशियंट है। और इससे पहले आप लोग 20 मार्क का अगर क्वेश्चन आए, 10 मार्क का आने से 12 मार्क का 12 पॉइंट दे दीजिएगा, 12 पॉइंट में लिखिएगा। और अगर 20 मार्क का आए तो उसके पहले आप लोग ऐड कीजिएगा पावर क्या चीज़ है और मार्क्सिज्म क्या है और थोड़ा सा वेस्टर्न अप्रोच का भी पावर के बारे में ही आप लोग लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पावर लिखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर लिखिएगा, उसके बाद आप ये 12 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, ये वाला 20 मार्क के अगर आ जाए तो, अगर कुछ भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए, जैसे पकड़ लीजिए एग्जाम में आता है हाउ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वर्क्स, हाउ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वर्क्स, तब आप कैसे लिखेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता है पार्लियामेंट कैसे काम करता है, इग्नू में मतलब आंसर तो करना पड़ेगा। 20 मार्क का अगर छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। तो पहले क्या करेंगे, जो की टर्म्स है क्वेश्चन का उनको मार्क कीजिएगा। तो की टर्म क्या है, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कहाँ पे रहता है, स्टेट में होता है या सेंटर पे होता है, ये तो आप लोगों को पता है सेंटर में पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ बनाता है। तो कुछ तो दिमाग से आप ऐसे ही सोच पाएंगे, ऐसे कीवर्ड सोचिए और उसके बारे में ट्राई कीजिए, पहले डिफाइन कीजिए पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट कैसे मतलब बना रहता है,
किस चीज़ का है, कहाँ पे है, इंडिया का पार्लियामेंट कहाँ पे है, और किसी देश में पार्लियामेंट है क्या, उसके बारे में अगर पता है तो वो भी ऐड कीजिए। उसके बाद वर्क के बारे में अगर सोचिए, कैसा गवर्नमेंट कानून बनाती है, आप सोचिए कैसे आप टीवी में देखे या राज्यसभा में लोकसभा में कैसे पास होता है, ऐसे आप खुद लिख सकते हैं। सिर्फ लिखने का कैपेसिटी चाहिए आपको, ठीक है। और एक बात है आप लोगों के लिए, जब भी कोई टर्म, मतलब ऐसा टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म लगे, मतलब कीवर्ड्स लगे हर पैराग्राफ में, वो कीवर्ड्स भी मार्क कर कीजिएगा एग्जाम पे, तभी मतलब वैल्यू एडिशन होगा। और अगर कोई डायग्राम आए तो डायग्राम भी डालिएगा, अच्छा मार्क मिलेगा, एग्जामिनर का आके जाएगा डायग्राम पे और आपका मार्क्स अच्छा मिलेगा। 20 मार्क्स का सवाल है, इसलिए जो अंडरलाइन और डायग्राम और एग्जाम्पल जहाँ पे फिट होता है, एग्जाम्पल करंट अफेयर से भी, तो वो सब डालिएगा, तभी वैल्यू एडिशन होगा, आप लोगों का अच्छा मार्क मिलेगा और मेरे प्यारे लल्ली और लल्ली अच्छे से पास करेंगे, फर्स्ट क्लास आएगा सभी को, ठीक है। उसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज ब्रॉडली अंडरस्टूड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स थ्रू हुई वन कैन कमांड कॉम्प्लायंस और ओबीडियंस एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, मतलब संवैधानिक एक सोर्स कह सकते हैं आप इसको, जो कि कमांड करता है कुछ लॉ को और कुछ चीज़ मानने के लिए सभी को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों को तो फॉलो करना पड़ता है ना, वही एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है आपको। व्हेयर एज पावर इज ब्रॉडली कंसर्न्ड विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, अथॉरिटी इज अंडरस्टूड एज द राइट टू डू सो। पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ओवर द डिकेड्स हैव डिफाइंड रिगार्डिंग द फंडामेंटल बेसिस ऑन हुई अथॉरिटी रेस्ट। अथॉरिटी प्रोवोक्स डीप पोलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट्स। सम रिगार्ड इट एज एसेंशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्डर्ड स्टेबल एंड हेल्दी सोसाइटी, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स हुई क्लियर गाइडेंस एंड सपोर्ट अदर्स वांट दैट अथॉरिटी टेंड्स टू बी द एनिमी ऑफ द लिबर्टी एंड अंडरमाइंस रीजन एंड मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी टेंड्स टू लीड द अथॉरिटेरियनिज्म। मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट जो है वो मतलब अथॉरिटी को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। उनमें से जर्मन जो सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबनर, उसके बारे में यहाँ पे मैक्स वेबनर के नीचे एक अंडरलाइन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है अथॉरिटी का। अगर कुछ भी एग्जाम में आए तो मैक्स वेबनर का नाम इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिखिएगा। मैक्स वेबनर ने क्या किया था? मैक्स वेबनर ने ही कहा था।